मुख्तार के बेटे उमर के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। जालसाजी से शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर अवैध निर्माण का है आरोप। 5 लाख के इनामी असद अहमद के मददगार खोलेंगे राज, प्रोडक्शन वारंट पर लाए जाएंगे प्रयागराज। कोरोना की मॉकड्रिल आज परखे जाएंगे 572 ऑक्सीजन प्लांट। 11 दिन में प्रदेश में मिले 1915 पॉजिटिव सक्रिय मामले। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से कराए, बसपा सुप्रीमो मायावती की मांग। आज से लखनऊ में नेशनल क्लाइमेट कॉन्वले की शुरुआत, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और देश के कई जाने माने विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। आकांक्षा दुबे की मां ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा 2 करोड़ में बिक चुकी है पुलिस। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाहिद गांव मामले की आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 13 केस को एक करने की दाखिल हुई थी याचिका, अमीन सर्वे के स्टे पर होगी बहस। चौधरी जयंत को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने रालोद से छीना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, कार्यकर्ताओं में मायूसी हुई। पुलिस हिरासत में युवक ने खुद का काटा गला, कानपुर देहात पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया, हालत गंभीर होने पर हेलेट रेफर। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, पथराव भी हुआ, बच्चों से शुरू हुआ विवाद बड़ों तक पहुंचा, पुलिस ने कराया साथ।